हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंडोज़ के बारे में कि विंडोज़ हमारा होता क्या है और कैसे कार्य करता है। तो विंडोज़ जो है वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की सभी तरह की डिवाइसों को कंट्रोल करने का और उन्हें ऑपरेट करने का काम करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है हमारे वो, अगर सॉफ्टवेयर की श्रेणी से अगर हम बात करें तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा विंडोज़, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसकी सहायता से हम हमारे कंप्यूटर के जो सभी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं उन्हें सही ढंग से ऑपरेट कर पाते हैं। और विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो जो है हमारा वो GUI पर आधारित होता है। GUI का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी हेल्प से हम विंडोज में सभी तरह के काम जो है वो इजीली कर पाते हैं। तो उसका काम हम इजीली कर पाते हैं, इसके लिए सबसे मेन जो एडवांटेज है विंडोज का वो यही है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होती है। ठीक है, विंडोज की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विंडो की कई सारी विशेषताएं होती हैं जिनसे हम विंडो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम सही ढंग से समझ पाते हैं और सही ढंग से हम उसे यूज कर पाते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडोज के फीचर का में सबसे पहला फीचर जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि ये हमारा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर फ्रेंडली से यहाँ पर मतलब ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसको सभी जो यूजर्स होते हैं ज़्यादातर वो आसानी से समझ लेते हैं और इसीलिए ये उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। दूसरा ये है क्योंकि ये GUI पर आधारित है तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें हैं याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी ही चीज़ें आपको स्क्रीन पर शो हो जाती हैं जिन पर क्लिक करके आप अपना काम ईजीली कर सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि इसमें हमें शॉर्टकट की फैसिलिटी दी हुई होती है कि इसमें हम अपना सारा काम जो है वो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट जो है वो हम डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से यूज़ कर पाते हैं। चौथा इसका जो विशेषता है वो है इसमें शेयरिंग की, कि इसमें आप अपनी फाइल्स को, अपने जो भी हार्डवेयर्स हैं उन्हें आप किसी और यूज़र के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये सारी विशेषताएं हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं जिनकी हेल्प से विंडो को हम सही ढंग से काम कर पाते हैं और ये इसीलिए यूज़र फ्रेंडली होती है। विंडो की अगर हम बात करें कि विंडो को बनाया किसने था तो विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो विंडो की परिभाषा हुई कि विंडो जो है उसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया था। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फीचर्स के अंतर्गत आता है कि ये यूजर फ्रेंडली है, GUI पर आधारित है, शॉर्टकट की फैसिलिटी इसमें दी हुई है और हमें शेयरिंग की फैसिलिटी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं ये हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें दिए गए हैं। अब अगर हम अगला हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करें कि टाइप्स ऑफ विंडोज, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो कितने प्रकार का होता है, सॉरी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, विंडोज हमारी कितने प्रकार की होती है। तो विंडोज जो है हमारी वो मेनली होती है दो प्रकार की, एक होती है हमारी एप्लीकेशन विंडो और दूसरी होती है हमारी डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो दो बेस पर हमारा जो विंडो है उसे बांटा गया है। एप्लीकेशन विंडो जो है हमारी वो ऐसी विंडो होती है जिसमें हमें सभी तरह की ऑप्शंस मिलते हैं तो वो कहलाती है हमारी एप्लीकेशन विंडो। दूसरी तरफ अगर हम डॉक्यूमेंट विंडो की बात करें तो डॉक्यूमेंट विंडो जो है हमारी वो ऐसी विंडो होती है जिसमें हम अपने एप्लीकेशन विंडो की हेल्प से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी विंडो का इंट्रोडक्शन, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार। ठीक है, इसके बाद अगर हम विंडो में
आगे बात करें और भी चीजों की, तो सबसे पहला तो ये था हमारा कि विंडो जो है वो जीयूआई पर आधारित है। तो जीयूआई पर आधारित होने की वजह से विंडो में सभी तरह की चीजें जो है वो हमें आइकन्स के रूप में मिलती हैं। आइकन्स जो है हमारे वो विशेष प्रकार के होते हैं, और आइकन्स की हेल्प से आप विंडो पर किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हो। तो आइकन्स जो है वो हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे फाइल आइकन्स, दूसरे होते हैं हमारे फोल्डर आइकन्स, तीसरे होते हैं हमारे शॉर्टकट आइकन्स, और चौथे होते हैं हमारे सिस्टम आइकन, और पांचवे होते हैं आइकन्स में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइकन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फाइल आइकन्स जो होते हैं वो जब हम कंप्यूटर में अपनी कोई भी फाइल बनाकर सेव करते हैं तो उस फाइल के साथ जो भी आइकन्स हमारे क्रिएट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे फाइल आइकन। मतलब हमारी फाइल हमें स्क्रीन पर जिस भी फॉर्म में दिखाई देती है वो आइकन कहलाता है, और वो आइकन कहलाता है हमारा फाइल का आइकन। फोल्डर आइकन्स मतलब कि वो आइकन्स जिनमें जिनकी हेल्प से आप फोल्डर को यूज कर पाते हो वो कहलाते हैं हमारे फोल्डर आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स जो है वो किसी भी चीज का शॉर्टकट हो सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे शॉर्टकट आइकन्स। फिर है सिस्टम आइकन्स, सिस्टम आइकन्स के अंतर्गत आता है हमारा रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे आइकन्स जो है ये कहलाते हैं हमारे सिस्टम आइकन। और पांचवा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइकन, कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो और उसका आप शॉर्टकट या उसका आप कोई एक आइकन डेस्कटॉप पर बनाकर रखते हो तो वो कहलाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइकन्स। ये हमारा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बेसिक्स चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्जन्स ऑफ विंडो। विंडोज के वर्जन्स मतलब कि उसके संस्करण, कि विंडो जो है वो हमारा कौन से सन में, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। तो सबसे पहले विंडो के सबसे पहले वर्जन की बात करें जिसे अनाउंस किया था, मतलब कि इसका सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम विंडो नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। ये अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था, और ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया था 1983 में। इसके बाद उन्होंने 1985 में उनका सबसे पहला विंडो का जो वर्जन है वो उन्होंने डेवलप किया था विंडोज 1.0 के नाम से। ये विंडो का सबसे पहला संस्करण, ये सबसे पहला उसका वर्जन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद विंडो का दूसरा वर्जन जो है वो आया था नेक्स्ट 1987 में, और ये था विंडोज का दूसरा वर्जन जो उन्होंने दिया था विंडोज 2.0 के नाम से। फिर इसके बाद विंडो का अगला जो संस्करण है वो आया विंडो 3.0 के नाम से 1990 में। ये था उनका विंडो का तीसरा संस्करण विंडोज 3.0 के नाम से। फिर विंडो के इस संस्करण में उन्होंने कई सारे फीचर्स जो है, क्योंकि हर जो संस्करण आया, हर जो वर्जन आया, उस हर एक नए वर्जन के साथ कुछ एक नई फैसिलिटी, कुछ एक नई सुविधा जो है वो विंडो ने उपलब्ध कराई। तो विंडो 3.0 को विकसित करके नेक्स्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो का संस्करण बनाया वो था विंडो 3.1। विंडो 3.1 के बाद उन्होंने नेक्स्ट जो हमारे विंडो के संस्करण बनाए या कई सारे विंडोज के और भी वर्जन्स बनाए, उनमें से नेक्स्ट था हमारा विंडोज 95। ये था हमारा विंडो का अगला संस्करण। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो संस्करण या नेक्स्ट जो वर्जन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे सामने डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने वो था विंडोज 98। विंडोज 98 के नाम से एक नया अलग संस्करण जो है वो विकसित किया गया। उसके बाद सन 2000 में
हमारे पास विंडो का नेक्स्ट जो वर्जन है वो आया विंडोज 2000 के नाम से। ठीक है, इसके बाद फिर आया हमारे पास सन 2001 में विंडोज एक्सपी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास विंडो का वर्जन आया विंडो एक्सपी के बाद वो था सन 2007 में, और ये था हमारा विंडो विस्टा। 2007 के बाद फिर विंडो का नेक्स्ट जो संस्करण है वो आया 2009 में विंडोज 7 के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट जो विंडो का संस्करण आया वो आया 2012 में, और ये इस वर्जन का नाम था विंडोज 8 को और उन्होंने डेवलप किया, और 2013 में आया विंडोज 8.1। और सबसे लेटेस्ट जो विंडो का वर्जन आया वो आया विंडोज 10 2015 में। तो ये जो है ये हमारे विंडोज के सारे वर्जन्स हैं जिनकी जिनसे कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिलीज किए गए, और हर एक वर्जन में कुछ एक अलग फीचर को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया। तो ये हमारे विंडोज के सारे वर्जन्स थे जो हमने अभी मैंने आपको सारे बताए हैं उनके ईयर के साथ। तो ये हमारे विंडोज के सारे संस्करण हुए हैं। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं हमारे विंडोज के वर्जन्स के अलावा भी जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, जैसे कि माय कंप्यूटर जो है वो क्या होता है। तो माय कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो विंडोज 10 में माय कंप्यूटर जो है वो हमें मिलता है दिस पीसी के नाम से। दिस पीसी के नाम से हमें ये मिलता है, और जब आप दिस पीसी के नाम से आप ओपन करते हो तो यहाँ पर हमें माय कंप्यूटर की सारी विंडो हमें डिस्प्ले हो जाती है। इसमें हमें सबसे ऊपर की तरफ हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट लोकेशंस जो है मेमोरी की वो मिलती है। सबसे पहला डेस्कटॉप जो हमारा मेन स्क्रीन होता है जिस पर हम सभी तरह की शॉर्टकट्स फाइल्स आइकन्स सभी रखते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के लिए कोई लोकेशन नहीं प्रदान करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होती है। तीसरा है डाउनलोड्स, अगर आप इंटरनेट की हेल्प से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड्स में जाकर सेव होती है। फिर है म्यूज़िक की, अगर आप किसी तरह का कोई सॉन्ग जो है वो कंप्यूटर से रिकॉर्ड करते हो या डाउनलोड करते हो तो उसके लिए होता है हमारे पास म्यूज़िक। तीसरा है हमारे पास पिक्चर्स की, अगर आप कोई इमेज क्रिएट करते हो तो वो पिक्चर्स में जाकर सेव होती है, और अगर हम किसी तरह का कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमें वीडियोस में दिखाई देता है। तो ये हमारा सेक्शन है। फिर दूसरा, ये जो दूसरा सेक्शन है हमारा ये है डिवाइस एंड ड्राइव वाला फुल सेक्शन। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में हमने जो उसकी मेन हार्ड डिस्क है उसको हमने कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पर मेरी जो लैपटॉप में है उसमें सिर्फ दो ही ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। इन ड्राइव्स के अंदर ही हम अपनी फाइल्स जो है वो सेव कर पाते हैं। और जिस ड्राइव के ऊपर इस तरह से विंडो का आइकन बना होता है, मतलब इस ड्राइव पर हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है। और दूसरा ड्राइव जो है हमारा वो हमारा नॉर्मल ड्राइव है जिसमें हम अपनी फाइल्स जो है वो सेव करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से अगर हम इसमें कोई एक एक्स्ट्रा मेमोरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव सीडी डीवीडी कुछ भी अगर हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उसका आइकन भी हमें यहाँ माय कंप्यूटर में बगल में शो होने लगता है। तो इस तरह से हमारा ये माय कंप्यूटर जो है वो हमारा वर्क करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन जो है हमारा वो ऐसा सिस्टम आइकन है या ऐसा सिस्टम का टूल है जिसमें वो सभी फाइल्स और फोल्डर्स आते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी से डिलीट कर चुके होते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें रिसाइकल बिन में मिलती हैं।
और इस पर क्लिक करते हैं अपन, तो हमें यहाँ पर सारी फाइल्स जो है वो हमारी मिल जाती है। अब जैसे इसमें से हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल हमारी ओपन नहीं होगी, सिर्फ उसकी डिटेल्स हमें शो हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये फाइल्स वापस पहुँचानी है तो हम इन फाइल को करेंगे सेलेक्ट और हम करेंगे राइट क्लिक और हमारे पास आ जाता है रीस्टोर ऑप्शन। जैसे हम रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो यहाँ से हट जाएगी और उसकी पुरानी लोकेशन पर जो कि है डेस्कटॉप, उस लोकेशन पर हमें शो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी रिसाइकल बिन से सभी फाइलों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से रिसाइकल बिन जो है वो हमारी फाइलों को जिन्हें हम अनावश्यक समझ के डिलीट कर देते हैं वो हमें सारी यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता है। ओके, फिर अगर हमें रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल हमें दोबारा से नहीं मिलती है। और जैसे मान लीजिए आपकी रिसाइकल बिन में बहुत सारी फाइल्स सेव हो गई हैं, सबको खाली करना है, तो आप राइट क्लिक करिएगा और एम्प्टी रिसाइकल बिन ये ऑप्शन आपके पास आएगा और जब आप इस पर क्लिक कर दोगे एंड यस कर देंगे तो रिसाइकल बिन जो है वो आपका पूरी तरह से खाली हो जाएगा और रिसाइकल बिन में आपकी कोई भी फाइल्स या फोल्डर्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस तरह से रिसाइकल बिन और माई कंप्यूटर जो है वो हमारा वर्क करता है। इसके बाद फिर दूसरे जो हमारे टॉपिक हैं वो है डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। डिस्क क्लीनअप ऑप्शन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से काम करता है कि जिस भी डिस्क को आपको ये प्रोसेस करनी हो तो उस डिस्क पर आप राइट क्लिक करेंगे, जो भी मेन्यू आपके सामने पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा उस पॉपअप मेन्यू में आप लास्ट ऑप्शन जो है आपका प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होने लगेगा। इसमें यहाँ पर हमें हमारे विंडो का यूज्ड स्पेस की कितना स्पेस यूज हो रहा है और कितना स्पेस खाली है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा और उसकी कुल कैपेसिटी पता चल जाएगी। कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता कितनी है ये हमें पता चल जाएगी। फिर यहाँ से हम डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होने के बाद ये हमारे पास एक विंडो जो है, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से हम चेक करने के बाद जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइल्स जो हैं वो हमारे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। बट अभी हम इन्हें डिलीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये कुछ यूज़फुल फाइल्स भी हों। यहाँ से व्यू फाइल्स पे क्लिक करके आप उन फाइल्स को देख सकते हो जिन्हें कंप्यूटर जो है वो डिलीट करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे किसी भी फाइल की कोई लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले होकर नहीं आई है। क्लीनअप सिस्टम फाइल्स से आप सिस्टम की जो फाइल्स हैं उन्हें भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो डिस्क क्लीनअप की जो प्रक्रिया है कि जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं जिन्हें हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है वो सारी फाइल्स जो है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिस्क क्लीनअप ऑप्शन जो है वो हमारा वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा दूसरा जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कुछ हमारे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड ऑप्शन। तो ये जो है ये हमारा कंट्रोल पैनल है जो कंप्यूटर की सभी तरह के हार्डवेयर्स और सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ से हम कंप्यूटर में सभी तरह की जो भी बदलाव हैं हमारे कंप्यूटर में वो सारे बदलाव जो हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 10 में हमें ये ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम और भी कई तरह के चेंजेस जो हैं वो अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे हमें अपने सिस्टम में देखना कि किसी तरह का कोई अपडेट तो नहीं आया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिलहाल ग्रीन है और लिखा हुआ है योर अप टू डेट, मतलब कि विंडोज़ का ये जो वर्जन है इसमें अभी वर्तमान में कोई अपडेशन नहीं आया है। तो यहाँ से हम विंडो में अपडेट्स चेक कर सकते हैं। फिर ये है हमारा विंडोज़ का सिक्योरिटी ऑप्शन। ये हमें विंडोज़ 10 में ही अवेलेबल होता है जहाँ से आप अपने कंप्यूटर को वायरस से या अनवांटेड यूज़र्स से, सारी चीज़ों से उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हमें विंडोज़ 10 में अवेलेबल हैं जिससे आप अपने सिस्टम को, अपने पीसी को बहुत सेफली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा
जो सारे ऑप्शंस हैं हमारे वो हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उनमें कवर अप किए हैं, और अगर उन क्लासेस से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। और अभी की क्लास के लिए हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी कल हम स्टार्ट करेंगे फिर से।